अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो बहुत ही आसान है बनाने में, बहुत आराम से घर में बना के खाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गाजर ली थी और इसको मैंने धोकर इसको अच्छे से छील के, ऊपर का जो छिलका जड़े वगैरह होती है वो साफ करके मैंने इसको कद्दूकस करके रख लिया है। और ये 1 कप मैंने चीनी ली है, 200 ग्राम के करीब है। और ये 1 गिलास दूध लिया है मैंने, ये मलाई वाला दूध लिया है, सिंपल दूध भी ले सकते हैं। और 1 छोटा कप है, 1/2 कप मैंने घी ले लिया है, देसी घी। 10 से 12 बादाम लिए मैंने, 10 से 12 ही काजू लिए हैं। और ये 3 से 4, 4 से 5 हरी इलायची, इसको मैंने दाने निकाल के इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, हमें इसकी ओरिजिनल खुशबू ही अच्छी लगती है, तो इसलिए हम ज्यादा इलायची पाउडर नहीं डालेंगे। और आप मेवे भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, अपने पसंद के मेवे डाल सकते हैं। और ये मैंने 1 कटोरी खोया लिया है, ये मैंने 1 किलो दूध का खोया निकाला था, करीबन 200 ग्राम के करीब खोया भी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट हमने जो लिए हैं इसको हम काट लेंगे, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमने काजू बादाम काट लेंगे। देखिए, मैंने अपने ड्राई फ्रूट काट लिए हैं और ये मैंने कढ़ाई रख ली है। आप हलवा बनाए तो थोड़ा सा भारी तले की कढ़ाई हो, इसमें हम डालेंगे जो हमने घी लिया है, इसमें से थोड़ा सा घी हम डाल देंगे। घी को हम गरम कर लेंगे हल्का सा। देखिए, घी हमारा गरम हो गया है। अब हमने सारे मेवे काट लिए हैं, बस 6 से 7 पीस काजू के हमने खड़े रखे हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज्यादा हमें कलर नहीं देना है इसको। मेवे हम फ्राई करके डालते हैं तो इसकी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो बिना फ्राई के भी डाल सकते हैं। देखिए, हल्के हल्के मेवे हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम जो हमने गाजर कद्दूकस की हुई है वो डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे दूध जो हमने लिया है 1 गिलास, और इसको ढक्कन लगाकर हम स्लो मीडियम हीट पर इतना पकाएंगे ताकि हमारी गाजर जो है अच्छी तरह से पानी छोड़ दे और गल जाए इतनी देर। और बीच बीच में हमें चेक भी करते रहना है इसको, नहीं तो गाजर हमारी नीचे से लग जाएगी। तो मीडियम हीट पर हम इसको छोड़ देते हैं, गलने तक पकाएंगे इसको हम। देखिए, 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इसका जो हमने दूध डाला था वो भी खुश्क हो गया है, अभी हल्का फुल्का रह गया है। देखिए, इसको मैं भी थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि इसका दूध जो है एकदम खुश्क हो जाए और गाजर भी हमारी गल गई है। ये देखिए, तो इसको 5 मिनट के लिए हम 1 किलो हीट पर पका लेंगे, जो कसर बाकी है ये पूरी हो जाए। देखिए, गाजर हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें हम डाल लेंगे चीनी। चीनी आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। हमने 1 कप चीनी ली थी। अब इसको हमें बहुत ज्यादा स्लो हीट पे नहीं पकाना है, क्योंकि गाजर हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। बस चीनी का पानी मेल्ट हो जाएगी, उसका पानी सूख जाएगा, उसके बाद हलवा अपना हम तैयार करेंगे। देखिए, चीनी ने पानी छोड़ दिया है, मेल्ट हो गई है अच्छे से। अब इसको हमें
खुश्क होने तक पकाना है। बहुत आंच कम नहीं करेंगे, हम मीडियम आंच पर बनाएंगे इसको। देखिए चीनी हमारी पानी जो छोड़ा था वो एकदम खुश्क हो गया है। अब यही पे हम ऐड कर देंगे घी जो हमने बचा रखा था। और ये जो हमने काजू बादाम फ्राई किए थे ये भी डाल देंगे, हम थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और ये खोया, अब इसको हम भून लेंगे अच्छे से। 15 मिनट हमने इसको पहले मीडियम आंच पर पकाया था, जब हमारी गाजर गल गई थी थोड़ी सी कसर रह गई थी, फिर हमने इसको 5 मिनट के लिए फिर पकाया था ढककर, ढक्कन लगा के। उसके बाद हमने इसमें चीनी डाली थी। चीनी मेल्ट होने के बाद हमें ज्यादा देर इसको नहीं पकाना रहता, बस उसका पानी को उसको होने तक पकाना रहता है। और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए 2 से 3 मिनट के लिए हमने तेज आंच करके खोया और सब डाल करके हमने इसको भून लिया अच्छी तरह से। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं, हमने कम डाला है। हलवा हमारा एकदम तैयार हो चुका है बिल्कुल, बहुत ही आसानी से हलवा हमारा घर पर बनकर तैयार हो जाता है। गैस अपनी हम बंद कर देंगे, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए इसको अपनी प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत ही टेस्टी हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए अब इसको हम जो हमने ड्राई फ्रूट बचा रखा था इसे हम गार्निश कर देंगे। बहुत आसानी से बन जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप भी बनाइए, आप भी खाइए। ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हम कोई भी नए वीडियो डालें तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।